वेलकम टू सोभित अग्रवाल क्लासेस। आज क्लास लेने से पहले आप सबको एक ही बात बताना चाहता हूँ, या बताने क्या रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरे जो वीडियो है उसे ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, ताकि वो जितने भी जो गरीब या रूरल एरिया के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके पास जल्दी से जल्दी ये मटेरियल पहुँचे और वो भी जो कम्पिटिटिव ग्रामर है उसे अच्छे से सीख सकें। तो लेट्स बिगिन टुडेज टॉपिक। आज हमने अब से पहले जो पढ़ा था वो प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ चुके हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस ये हम एक साथ पढ़ेंगे सबसे बाद में। तो आज जो टॉपिक होगा वो होगा पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो होती है निगेटिव में, तो हमें पता है डिड यूज होगी, और अगर पॉजिटिव सेंटेंस है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो इसमें अगर पॉजिटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव अगर सेंटेंस है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, और इंटरोगेटिव और निगेटिव में हम डिड का प्रयोग करेंगे। देखिए सबसे पहले इसमें ए सिंगल एक्ट, कंप्लीटेड इन पास्ट, इसमें कोई भी एक्ट, इसमें कोई भी जो एक्ट होगा वो पास्ट में कंप्लीट हो चुका होगा, मतलब भूतकाल में हमारा वो कार्य पहले हो चुका होगा, तो वो जो सेंटेंस होंगे वे पास्ट इंडेफिनिट में आएंगे। पास्ट इंडेफिनिट में कुछ एडवर्ब्स, कुछ कंजक्शंस यूज हो सकती हैं, वे आप देखिए, ताकि हम उससे आसानी से पता लगा सकते हैं कि ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है। अब देखिए कौन कौन सी एडवर्ब्स हैं, जैसे कहीं पर यस्टरडे आए, एगो, बिफोर, द अदर डे, एगो बिफोर अदर डे, सिंस, एवर सिंस, etc. इस तरीके से कोई भी वर्ब आए, एडवर्ब आए तो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। अब एग्जांपल हम देख सकते हैं, ही डिड दिस वर्क यस्टरडे, ही डिड दिस वर्क यस्टरडे। तो यस्टरडे आ गया तो डू की सेकंड फॉर्म लगा दी डिड। और भी एग्जांपल हम देख सकते हैं, देखिए इंडिया बिकेम फ्री इन 1947, तो 1947 पास्ट है, पास्ट का ही है 1947, तो आज से पहले के जो भी इंसिडेंट होंगे वे सब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आएंगे। और अब इसमें ये तो आप समझ चुके होंगे, अगर हैबिट आई हुई है, हैबिट इन पास्ट, पास्ट की कोई भी हैबिट हो वे हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज करेंगे। पास्ट की हैबिट को हम एडवर्ब्स हैं जो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी
एडवर्ब ऑफ टाइम हमने यूज़ किया था वो इसमें भी यूज किया जा सकता है, बशर्त है कि वो हैबिट को, पास्ट हैबिट को सजेस्ट कर रहा हो। अब वही वर्ड जो हमने पहले बताए थे उनमें दो वर्ड और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे, एक तो यूज्ड टू और एक वुड। ये जो वर्ड हैं, ये जो वर्ब्स हैं, ये सजेस्ट करती हैं पास्ट हैबिट को। जैसे हम कह सकते हैं कि वह बचपन में क्रिकेट खेला करता था, तो ही वुड प्ले क्रिकेट इन हिज चाइल्डहुड। तो इस तरह से हम ये दोनों जो वर्ड्स हैं, ये दोनों वर्ब्स हैं, ये हमेशा पास्ट को ही सजेस्ट करेंगी। और अदर्स वही एडवर्ब्स, जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ी थी, वो हम यहाँ पर भी देख सकते हैं। और जैसे हम जर्नली, डेली, ऑलवेज, नेवर, समटाइम, ओकेजनली, इट इज, ये वो आप बुक में और देख सकते हैं। तो ये सब जो हैबिट को सजेस्ट कर रहे हैं, इसमें अगर पास्ट हैबिट को अगर दिखाया हुआ है और ये वर्ड्स आ गए हैं तो पास्ट इंडेफिनिट में ही प्रयोग होंगे। एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं, दे नेवर ड्रिंक वाइन, उन्होंने कभी भी वाइन नहीं पी, ये भी पास्ट को ही सजेस्ट कर रहा है। ही ऑलवेज कैरिड, ही ऑलवेज कैरिड एन अम्ब्रेला, कैरिड एन अम्ब्रेला, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में ही सेंटेंस यूज हो रहा है। पास्ट इंडेफिनिट को मैंने एक और एग्जांपल दिया था पास्ट इंडेफिनिट में ही, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट और उसके साथ पॉइंट ऑफ टाइम आ गया तो वो पास्ट होगा। सिंपल पास्ट का मतलब पास्ट इंडेफिनिट होगा। अब आप देख लीजिए एग्जांपल के रूप में, हैव यू टेकन लंच, हैव यू टेकन लंच। अब अगर इसके साथ टाइम एक्सप्रेशन आ गया, इसके साथ टाइम एक्सप्रेशन आ गया और एक बिना टाइम एक्सप्रेशन का आ गया, देखिए एक तो टाइम एक्सप्रेशन से आ गया और बिना टाइम एक्सप्रेशन के आ गया, ये तो टाइम एक्सप्रेशन से आ गया। तो आई एट प्रेजेंट परफेक्ट के साथ टाइम एक्सप्रेशन आ गया तो क्या हो गया, सिंपल पास्ट, यस आई टुक, मैंने 2 बजे लंच ले लिया है, ले चुका हूँ या ले लिया है, सॉरी मैंने 2 बजे लंच लिया। हैव यू टेकन लंच, अब इसके साथ एक बिना समय का आ गया और इसमें आ गया यस, है ना, आई हैव टेकन, सॉरी है ना, यस आई हैव टेकन, आई टुक एट 2 PM, यहाँ टाइम एक्सप्रेशन आ गया तो पास्ट इंडेफिनिट में, यहाँ पर टाइम एक्सप्रेशन नहीं आया तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में ही रहा। तो अगर प्रेजेंट परफेक्ट के साथ टाइम एक्सप्रेशन आ गया तो सिंपल पास्ट होगा। आपका ये पास्ट इंडेफिनिट जो टेंस है वो अब कंप्लीट हो गया है।
कल पास्ट कॉन्टिन्यूस पढ़ेंगे। कोई भी और आप इसकी अब एक्सरसाइज कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम हो वो उसी तरीके से आप इसे करिए, एक्सरसाइज करिए, और कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप या आप कमेंट बॉक्स में भी मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ सोबित अग्रवाल।